हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। वी विल डिस्कस टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आज हम चैप्टर फर्स्ट का फोर सेक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन फोर, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, मींस जो ओवरराइडिंग है उसका क्या इफेक्ट है इस एक्ट में, अब हम उसे देखेंगे गाइस। अब हम देखेंगे सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मींस कुछ चीज़ों को सेव किया गया है, अदरवाइज बाकी सारी जो चीज़ है उसे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड किया गया है इस एक्ट में गाइस। इस जो चीज़ें सेव की गई हैं उसे हम लास्ट में देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेव की गई हैं गाइस। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब कमेंसमेंट में आया, उससे पहले भी गाइस कुछ ना कुछ लॉ के, मैरिज के रिलेटेड, हिंदू लॉ के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोविज़न थे जो प्रैक्टिस में थे, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे रूल की फॉर्म में हो, चाहे इंटरप्रटेशन ऑफ हिंदू लॉ थे, चाहे गाइस वो एनी कस्टम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यूजेस भी हो सकते हैं एज ए जो पार्ट थे हिंदू लॉ के, जिसे फोर्स किया जाता था इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गाइस। जो भी प्रोविज़न थी, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में थे, रूल थे कुछ भी, चाहे कुछ इंटरप्रटेशन थे या कुछ ऐसे कस्टम थे जो इस एक्ट के आने से पहले प्रवेल किए जाते थे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में थे, बट नाउ जब ये एक्ट बन गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अब जो पुराने सारे के सारे ये रूल थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ थे, कस्टम थे, यूजेस थे, उन सब को सीज़ किया गया है। अब ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होते, अब जो भी इसमें एप्लीकेबल होता ही है प्रोविज़न वो इस एक्ट में मेंशन है, ये क्लॉज ए का यही मीन्स है गाइस। अब हम बात करें क्लॉज बी की, एनी अदर लॉ इन फोर्स इमिडिएटली गाइस। अब इसमें बात की गई है अदर लॉ की, लॉ इन फोर्स इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मींस कुछ भी हिंदू लॉ से अलावा अगर हम बात करें एनी अदर लॉ की, वो लॉ मींस कोई भी लॉ होते थे जो इमिडिएटली इन्फोर्स किए जाते थे कमेंसमेंट से पहले, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, उनको भी एक्ट शेल सीज टू हैव इफेक्ट, उनको भी एज ए सीज किया गया है, जो कि सो फॉर एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट, मीन्स जो इस एक्ट से अलग हैं, चाहे वो इस एक्ट के जब हमारा ये एक्ट बना है इससे पहले जो भी को कस्टम थे, रूल थे, इंटरप्रटेशन थी, एनी अदर लॉ की अगर हम बात करें, चाहे वो इस एक्ट से डिफरेंस है, उन्हें भी एज सीज किया गया है। अब ओनली जो प्रोविजंस इस एक्ट में मेंशन की गई है उन्हें ही एज ए कंटेन किया गया है इस एक्ट में गाइस। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मीन्स कौन सी चीज़ें हैं जिसे सेव किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हमारे कस्टम की गाइस, जो हमारा कस्टम है उसकी बात करें, ये हमारा सेक्शन 3 क्लॉज ए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसमें ये मेंशन किया गया है जो कस्टम है उन चीज़ों को सेव किया गया है गाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, जो हमारे स्पिंडा रिलेशनशिप की गाइस, इसमें अगर कोई पर्सन मैरिज करता है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, बट गाइस इसमें एक वर्ड आता है बट, यहाँ पर हमारा कस्टम प्रिवेल करता है गाइस, उस मैरिज को एज ए हम वैलिड मैरिज कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी पर्सन डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या फिर स्पिंडा रिलेशनशिप में मैरिज करता है गाइस, जहाँ वो मैरिज हमारी एज ए लॉन्ग टाइम से कस्टम हमारा नॉर्मली प्रैक्टिस में है गाइस, उसे बहुत सारे लोग लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उसे ऑब्जर्व किया गया है लॉन्ग टाइम से, वो रीजनेबल है, अनरीजनेबल नहीं है, सर्टन है, किसी भी ऑपोजिट से पब्लिक पॉलिसी के ऑपोजिट नहीं है गाइस, उस कस्टम को एज ए हम वैलिड कस्टम मानेंगे।
गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।